शांति। साथियों, आज हम बात करेंगे कि कैसे हम एक पॉजिटिव थॉट के द्वारा अपने जीवन को एक बहुत सुंदर दिशा दे सकते हैं। आज का विचार है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं इम्पॉसिबल वर्ड को हमेशा आई एम पॉसिबल रीड करती हूँ। मैं उन सभी में से एक हूँ जिसने ये समझ लिया है कि मैं कौन हूँ। मैंने अपनी पावर्स और क्वालिटीज को पहचान लिया है। मेरे सारे वर्चूज मेरे अपने हैं। अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए मैं डेली मेडिटेशन करती हूँ, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन डू एवरीथिंग। और मुझे जब ये याद आता है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, तो मेरा आत्मविश्वास डबल हो जाता है। मैं अपने हर कार्य को स्ट्रेस फ्री होकर करती हूँ, जिससे हर कार्य बहुत अच्छा होता चला जाता है। मुझ में जो गलतियाँ थी या जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं, वो मन में उठने वाले कमज़ोर संकल्पों से हुई हैं, ऐसे कमज़ोर विचारों से हुई कि मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती। लेकिन अब मुझे अपनी हर गलती को सुधारना है, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि मन के हारे हार हैं तो मन के जीते जीत है। दुनिया में लोग समझते हैं कि मन को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, और ये भी मानते हैं कि नेगेटिविटी के बीच में रहकर कैसे हम स्वयं को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो साथियों, मुझे इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल समझ में आता है कि जैसे कमल का फूल कीचड़ में रह कर के भी कीचड़ से बिल्कुल डिटैच रहता है, तो वैसे ही हमें भी अपने इस जीवन में हर बुराई से बचने के लिए उन बुराइयों की तरफ ध्यान न देकर सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है, और अपनी पूरी एनर्जी अपने लक्ष्य को अपने सपने को अचीव करने में लगा देनी है। मुझे अपनी लाइफ का आर्किटेक्ट बनना है। मुझे स्वयं में पॉजिटिव बिलीव रखना है और अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एक्ट पर अटेंशन देना है। तो साथियों, आशा है कि आप सभी ने ये पॉजिटिव अफर्मेशन बहुत ध्यान से सुनी होगी और आप इन्हें अपने जीवन में अप्लाई करना चाहते हैं और इसका पॉजिटिव इफेक्ट अपनी लाइफ में महसूस करना चाहते हैं। तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अवश्य पढ़ें, और आप सब कुछ कर सकते हैं ऐसा विश्वास लेकर चलें। तो आगे हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ नए सकारात्मक विचारों के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।